नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। और हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। यहाँ पर डीसीएसके पीजी कॉलेज है, जो जिले का एकमात्र कॉलेज है जहाँ पर दूर दराज से छात्र छात्राएं पढ़ने आ रहे होंगे। तस्वीरों में जो आपके सामने देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो छात्र छात्राएं मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे देश के वर्तमान स्थिति पर, क्या उनकी राय है, साथ साथ इनके कॉलेज की बात करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर डीसीएसके पीजी कॉलेज के ये जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ चर्चाएं होंगी और इनसे कुछ बातें होंगी वर्तमान स्थिति परिस्थिति के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स, अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन में इनसे हम बात करें। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डीसीएसके पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, उनसे बात करेंगे। राघवेंद्र, जो वर्तमान स्थिति चल रही है और देश में जो सरकार है, लेकिन देश में बड़े घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है युवाओं की तरफ से, आपका पहला प्रतिक्रिया? जी, हमारे देश में आज जो घोटाले हो रहे हैं, प्रतिनिधि देश की बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज हम लोग अपने ही देश में घोटाले को नहीं रख रहे हैं और बात कर रहे हैं हम देश विदेश की। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो पंजाब नेशनल बैंक या फिर मोदी की जो हाल है, और पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि सरकार या फिर जो भी सरकारें यहाँ चल रही हैं, पकौड़ा बिछवा रही हैं, या फिर अलग अलग कोई कह रहा है कि अगर हमारे पास देने के लिए नौकरी नहीं है तो हम नकल पे कड़ाई कर रहे हैं। अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि नकल कोई पे नहीं रुका हुआ है। लेकिन आज जो घोटाला हुआ भारत में, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी चीज़ है कि आज भारत की जो आर्थिक स्थिति पे इतना मतलब दिया गया है कि आर्थिक स्थिति 1200 करोड़ रुपये का घोटाला है, यहाँ तक मेरा मानना है। तो इससे सरकार कड़ाई करे और नीरव मोदी को कम से कम गिरफ्तार करे। तो जैसे आप देख रहे थे, सुन रहे थे राघवेंद्र का बात, राघवेंद्र की बात, और वो कह रहे थे कि नीरव मोदी पर कड़ाई हो। तो चर्चाओं में हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है। पहले तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये छात्राएं मौजूद हैं और डीसीएसके पीजी कॉलेज के विभिन्न क्लासों में पढ़ती हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कुछ पता है आपको घोटाले के बारे में, नीरव मोदी के बारे में? जी पता है। क्या आपका मानना है कि किस तरह से सरकार फेल हो गई? सरकार को चाहिए कि जो है कि उस पर कड़ी पाबंदी लगाए, उसके बारे में जानकारी हासिल करे और उसे गिरफ्तार करे, और जो मतलब ये बुराइयां और ये गलतियां सरकार से हो रही है उसे समाधान करे और उसे रोक के उस गलतियों को। तो कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जिनका जिनका पक्ष है कि वो उनका मानना है कि ये जो सरकार है, सरकार की बात है, सरकार की जो मंशा है, सरकार उस पर खरा नहीं हो रही है। हमारे साथ एक और छात्र है, क्या नाम है आपका? सुधांशु सिंह। सुधांशु, कहाँ फेल मानते हैं सरकार को और किसकी कमी रह गई? सरकार दोनों है, एनडीए की, यूपीए की, और उसके बाद एक दूसरे पर सरकार दोषारोपण कर रही है, अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, कहती है कि उसके में घोटाला हुआ, वो कहती है उसके में घोटाला हुआ। तो आपका क्या मानना है, एक युवा जो आगे चलकर अभी पढ़ाई कर रहा है, आगे उसको नौकरियों की तलाश है, 11,500 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है देश में, और उसको लेकर आपकी क्या राय है? इसमें कहीं ना कहीं ये जो पूरा घोटाला है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की उतनी भूमिका नहीं है जितने की बैंक के अंदर के कर्मचारियों की है, और बैंक के जो मैनेजमेंट है उनकी है। इसमें सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है कि सरकार के लोग इसमें लिप्त हैं और सरकार का ये घोटाला है, तो इसे मानना बेकार होगा, क्योंकि ये बैंक का पर्सनली अपना घोटाला है और बस ये पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सरकार की इतनी भूमिका हो सकती है कि इस पर अच्छे से इस पर जांच बैठा के अच्छे से इस पर कार्रवाई की जाए। आपने कहा कि सरकार की भूमिका नहीं है, लेकिन सरकार का कमांड होता है, पूरे सिस्टम पर सरकार की नज़र होती है, सेबी की नज़र होती है, और जो आरबीआई है उसकी नज़र होती है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन जाँच में अब आया है, तो क्या कहने चाहेंगे? जैसा कि नासिर शेख कह रहे हैं, उनका अभी कमेंट आया है कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर सरकार इस समय फिलहाल प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़ी हुई है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा जा रही है। इसी में कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये सब हुआ है, और ये अभी से एनडीए की गवर्नमेंट से नहीं, इसके पहले यूपीए की गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ है और एनडीए की गवर्नमेंट में ये खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कुछ ना कुछ गलती, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। इसमें सरकार की भी गलती है और बैंक कर्मचारियों की भी गलती है, दोनों लोगों की संलिप्तता है इसमें। तो तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से देख रहे हैं, हम डीसीएसके पीजी कॉलेज में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। हम और छात्राओं से बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका मानना है कि किस प्रकार से वे मानते हैं कि, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। श्वेता, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप पकौड़ा बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उनकी बात से कितना सहमत हैं आप?
उनकी बात से तो कुछ ही लोग, मतलब ज्यादा लोग तो पकौड़ बना नहीं सकते हैं। तेज बोलिए, क्या आपका मानना है बताएं। हमारा मानना ये है कि बहुत लोग हैं पकौड़े की, जिनके पास नहीं उतना धन होगा तो वो कहाँ से पकौड़े बनाएंगे, वो तो नहीं बनाएंगे। तो वो तो अपना, बहुत लोग तो अपना खेती करते हैं, जो सब्सिडी देते हैं सरकार उसको बढ़ाना चाहिए। तो श्वेता का मानना है कि सब लोग पकौड़ा नहीं बना सकते, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये इनकी बातों से इनको इनकी बातें भ्रम में हैं। और आपका क्या नाम है? ममता। वर्तमान स्थिति, जो परिस्थिति है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, लेकिन तमाम जो राजनेता हैं तमाम तरह के भाषण देते हैं, क्या आपका मानना है उस पर, क्या सोचना है आपका? मेरा मानना है कि जो बेरोजगारी है उन लोगों को रोजगार दिया जाए, वो अपने परिवार को सुखी से रख सकें, और जिनके पास, जो लोग गरीब हैं उनको कुछ हेल्प दिया जाए और उनकी सहायता किया जाए, जिन लोगों को जो भर्ती वर्ती आ रही हैं तो उनको हाँ बोलिए हाँ, उसको सिलेक्ट किया जाए, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, और जो पढ़ाई वढ़ाई है उसको भी ध्यान में रखा जाए, और जो समस्याएं हैं मतलब गलत हो जा रही हैं तो उनको भी सही करना चाहिए, फिर अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए, और जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, और उन लोगों को नौकरी भी देना चाहिए, नहीं कि जो लोग अच्छे नंबर पा रहे हैं उनको भी छोड़ दिया जा रहा है, और जो लोग बेकार स्तर पर हैं उन लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। इससे है कि योगी और मोदी सभी को अपने एक नज़र से देखें और सही गलत का फर्क। तो बड़ा सवाल इन्होंने ये बड़ी बात कही कि सरकार को रोजगार देने का सबको कोशिश करना चाहिए, और सरकार को रोजगार देना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ छात्र मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हम ही सुन नहीं पा रहे हैं, दर्शक हमारे कैसे सुनेंगे, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र। किस क्लास में पढ़ते हैं अमरेंद्र? फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। किस तरह से देखते हैं जो राजनीति होती है, अभी वर्तमान स्थिति आई, इलाहाबाद में एक दलित छात्र की हत्या हुई, उसके बाद तमाम चीज़ें आईं, उसके बाद वीडियो आया जिसमें वो खुद झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद तमाम तरह के राजनीतिकरण हो जाता है किसी मुद्दे का, किस तरह से आप देखते हैं कि इसको किस तरह से लेना चाहिए? इसको सर हम लोग रोकना चाहिए छेड़खानी से, कि हम सुरक्षित कॉलेज में रहें, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती ना हो। हमारे साथ एक और साथ, क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। सूर्यप्रकाश जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर। जो अभी एक अल्तमस कशिश ने सवाल किया अभी हमारे साथ कि हर घोटाले में मोदी ही क्यों आते हैं, मोदी का समझ रहे हैं, मोदी का सेंस जी। नीरव मोदी, ललित मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस सवाल से इतर बूझते हैं, आप एक युवा होने के नाते किस तरह से देखते हैं कि देश की सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? सर करना चाहिए जैसे अत्याचार गांव के लोग करते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे आवास भी नहीं मिलता है तो प्रदान करते हैं सबकी, जो अमीर हैं सब ना उन लोग का दिलवा देते हैं, सब गरीब लोग के परेशान किया जाता है, और हमारे लोग घर में पापों को मार देते हैं सब, योगी को फैक्स करते हैं ना तो कोई नहीं करता है, कोई सुनवाई भी नहीं करते हैं सब, यही उनका सरकार चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि ये नाखुश हैं और सरकार के रवैये से। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हम मौजूद हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, और इस अपने इस जो हमारे वाद ये है, हमारी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भाग लें। आपका क्या नाम है? सरिता यादव। सरिता, आप एक यादव हैं, आपने बोला यादव, तमाम तरह की बातें आती हैं और जब चर्चा होती है तो आप यहाँ आ जाएं, लाइट एंटी लाइट पड़े, आप लोग इधर आ जाते हैं। जब बात होती है कि तमाम तरह का ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये छत्री हैं, एक युवा होने के नाते आप किस तरह से मानती हैं कि राजनीति में जातिकरण और इसको दूर रखना चाहिए, किस तरह से आप मानती हैं? पहली बात तो हम एक युवा है, ऊपर से हम एक स्टूडेंट है, और हमारी सरकार है ये सभी जाति धर्म के लिए एक सबको समान अधिकार दिए, हम अपने जात विभेद नहीं करेंगे कि हम यादव है जात है, सभी जात को चाहे सभी धर्म आप के लोग नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति करने वाले हर इंसान जाति पर ज्यादा करता है, तो युवा होने के नाते आपकी क्या बात है, आप अपनी बात क्या रखेंगे कि वो इससे दूर रहें?
हम यही कहेंगे कि हम युवा हैं तो हम एक हिंदुस्तानी के रूप में, ना कि जात विभेद करें या जाति के समर्थन है कि हम हरिजन हैं, हम यादव हैं तो यादव के पक्ष को लें, ना कि हम बस एक युवा हैं तो युवा लोगों को समर्थन दें अपना, और एक अच्छी नेता और एक समाज एक राजनीति के लिए एक नेता चुने, इससे देश का भविष्य में युवाओं का कल्याण हो। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि किस प्रकार से यहाँ पर अपने जाति धर्म से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका सना, जब बात होती है ज़्यादातर हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो इस बात को लेकर कितना आप सहमत हैं और किस तरह से देखती हैं कि इसको, यहाँ इधर आ जाइए, किस तरह से देखती हैं कि इसको इससे दूर होना चाहिए, राजनीतिकरण में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए? जी हाँ, और क्या कहना चाहेंगी आप, बताएं बताएं, घबराए नहीं, बताएं। तो सना ने बोला बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, और उसको लेकर तमाम तरह की बातें आती हैं। हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, क्या नाम है आपका? शिवपाल भाटी। शिवपाल, वंदे मातरम में बड़ा विवाद होता है, और वंदे मातरम को लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं गाएंगे, कुछ लोग कहते हैं गाएंगे, तो क्या एक युवा होने के नाते किस तरह से आप इसको देखते हैं? वंदे मातरम दरअसल ये हमारी मातृभूमि के लिए है, तो हम जिस भूमि में रहते हैं वंदे मातरम ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं गाएंगे, मुस्लिम है तो हम नहीं गाएंगे। दरअसल वंदे मातरम जहाँ तक हमें मालूम है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये हमारे अपनी मातृभूमि के लिए। तो बहुत बड़ी बात कही कि इन्होंने की मातृभूमि के लिए है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार यादव। विवेक जी, वर्तमान स्थिति में सरकारें चल रही हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप की बातें होती हैं, और सरकारें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप करती है, कोई भी बड़ा मामला आता है तो सरकार बस आरोप करती है, उसके अलावा कोई बात नहीं करती, किस तरह से आप एक युवा होने के नाते मानते हैं इसको, देखते हैं? कोई भी सरकार हो उसे अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। अगर सरकार ये वर्तमान सरकार अच्छी कर रही है तो जो सरकार पिछली सरकार है उसे सोचना चाहिए, ये सरकार अच्छी करे तो इसे साथ अच्छा हम करें। तो बड़ी बात ये इन्होंने कही कि हम सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारे साथ एक हम तो कुछ लोगों से बात करके प्रोग्राम खत्म करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, महिलाओं पर तमाम तरह की बातें होती हैं और देश की रक्षा मंत्री महिला हैं निर्मला सीतारमण, एक महिला देश की रक्षा मंत्री होने के नाते उसके बाद तमाम तरह की लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, और उसको किस तरह से केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महिलाओं पर क्या, महिलाओं की समस्या को लेकर क्या आप बोलना चाहेंगी, कहना चाहेंगे? बोलना चाहते हैं कि मतलब महिलाएं के साथ ऐसा मतलब छेड़छाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और मतलब महिलाओं की सुरक्षा होगा तो पूरे देश की सुरक्षा होगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा तो पूरे देश की सुरक्षा होगी। हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इससे जाने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें ताकि हम उनकी चर्चा आगे के कार्यक्रम में कर सकें। फिलहाल अभी तक इतना ही, आगे फिर वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।